सिस्टर डॉक्टर त्रिपाठी को बुलाइए। सिस्टर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाओ फौरन। डॉक्टर साहब मेरी मेरी बेटी ठीक तो है ना? क्या क्या हो रहा है? ठाकुर साहब उनकी सेहत बेहद नाजुक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका हार्ट इतना कमजोर है कि वो पूरे जिस्म को खून पहुंचा नहीं पा रहा है। ये समझिए कि उनका हार्ट अपनी ताकत से सिर्फ 15% ही काम कर रहा है, बाकी सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? ठाकुर साहब वो खून के इंतजाम के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? पापा गए हैं ब्लड लेके आने ही वाले हैं। हमारी माँ ठीक हो जाएगी ना? माँ को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। एक्चुअली ऑपरेशन से जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई, इसीलिए इमीडिएटली खून की जरूरत है। और क्या डॉक्टर साहब, और क्या? नहीं ना डॉक्टर साहब, और हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तुमने तो कल बोला था कि तब्बू को होश आ गया। इचकी बेटे, बेटे मत रखिए। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक ही बेटे। डॉक्टर साहब हार्ट ट्रांसप्लांट? हाँ, क्योंकि खून की सप्लाई अगर पूरी तरह से जिस्म को नहीं मिलेगी तो एक के बाद एक सारे शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। अगले 24 घंटे में हमें पेशेंट को बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो करना ही होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कोई डोनर मिल जाएगा। मैडम आप अभी अंदर नहीं जा सकती, प्लीज पेशेंट इस वक्त मुझे तब्बू से मिलना है, अभी इसी वक्त। थैंक्स डॉक्टर। ओके जाओ। तुझे चाहिए हम सबको वही बांटना होगा। हमेशा तेरी मनमानी, तेरी जिद, सब कुछ मानते हम सब। लेकिन अब और नहीं, तो इस बार तुझे तेरी इच्छा की बात सुननी होगी। ठीक होना होगा, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जा। मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर,
पापा की खातिर, मुक्ता की खातिर, सबकी खातिर, हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। तब वो अब नहीं रह सकते तेरे बिना। तेरी हर इज्जत मानेंगे हम सब, बस तू ठीक हो जा। जिद मत कर तुम है और तुम्हारा इच्छा इच्छा यानी मंजो चाहे है ना? हाँ। मेरे मन में भी एक इच्छा है, बोले बोले। तुम हमारी दोस्त बनोगी? ठीक है। मतलब हम दोनों एक दोस्त है, ठीक है? आज ये इच्छा जो कुछ भी सिर्फ तेरी वजह से। सब कुछ दिया तूने मुझे, पापा का प्यार, परिवार, सब कुछ। वीर के साथ जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने, लेकिन तूने तूने मेरे अंदर वो जज्बा जगाई, फिर से जीने की उम्मीद दी, फिर से सजाया मुझे, फिर से एक नई जिंदगी दी। और आज जब तेरी बारी आई तब मिस्टर राठौर के साथ जीने की, मुक्ता के साथ जीने की, तब तुम लाएगी तो मुझे इतनी तब्बू के बिना अधूरी है, अधूरी है इसकी तब्बू के बिना। उठ जा तब्बू, उठ जा।
हमेशा तब्बू जो कहती हम उसकी हर बात सुनते, हर एक बात मानते, लेकिन ये हमारी एक भी बात क्यों नहीं सुनते पापा? अगर तब्बू जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। इस बार तब्बू को हमारी बात सुननी है। अच्छा बेटे, तब्बू होश में नहीं बेटे, तो भी आपकी बात है, उसके दिल तक पहुंच रहे होंगे बेटे। आइए। उसे समझाए ना, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैया काना, मुझे कुछ काम है, मैं एक दो घंटे में वापस आती हूँ। मैया आप कहाँ जा रही हैं? मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं काना, तेरा यह रहना ज्यादा जरूरी है। भैया आप क्या सोच रही हैं? सोच, सोचने की क्षमता खो चुकी हूं मैं। तो अम्मू का सबका ध्यान रख, मैं अभी आती हूं। कहाँ जा रही है तू? थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे पर इस वक्त अकेले जाने की क्या जरूरत है बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मू, कुछ नहीं होगा तेरी इच्छी को। तू पापा और मुक्ता का ध्यान रख, मैं तब तक लौट आऊंगी। ठीक है, बहुत दूर मत जाना, जल्दी आ जाना। हाँ हम हाँ।